प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस। हमारी शैम्टो की लैब है, इसमें हमने आज जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो है ओवन ट्रे ड्रायर। इसमें हम फोर सर्कुलेशन से हम करेंगे ये। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमारा जो है किसी भी प्रोडक्ट में से जो है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना या उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम ये ड्रायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लैब लेवल पर हम इसमें देख रहे हैं ये इसकी जो कैपेसिटी भी स्मॉल कैपेसिटी के लिए, तो इसमें जो हम ओवन ट्रे ड्रायर में हम इससे पहले इसमें जो है फूड इंडस्ट्री में काफ़ी इसका स्कोप है और इसमें जो है फूड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है इसका। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में जो हम अपने जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है उसको हम मॉइस्चर रिमूव करने के लिए उसके बाद हम पैकेजिंग करते हैं ये ट्रेड एयर से पास करने के बाद। और सर बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि हम इसमें हॉट एयर जो है इसमें हम कंटिन्यूसली सर्कुलेट करवाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारी फोर्स कन्वेक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड प्लेस इन ट्रेज में। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें सबसे पहले हम अपना जो है जो मटेरियल लेंगे, हमारे पास इधर ट्रेस भी मौजूद हैं, ये पड़ी हुई हैं ट्रेस। इसके अंदर पहले हम एम्प्टी ट्रे का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें सैंड ऐड करेंगे। सैंड ऐड करने के बाद हम इसमें मॉइस्चर अपनी तरफ से ऐड करेंगे, वाटर, और इसका हम टोटल वेट करेंगे। जो हमारा वेट होगा उसे हम उसको मेजर कर लेंगे थ्रू मेजर, इसका जो बैलेंस जो है इसे हम वेट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये ट्रे ड्रायर को हम यहाँ से उठाएंगे और इसके बाद जो है हम इसको ये इसकी जो है थ्री ट्रेज इसमें हम रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें फर्स्ट ट्रे में रख रहे हैं। इसे फर्स्ट ट्रे में हम रखेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको एक खास टाइम के लिए हम इसको 5 मिनट ले लें, 10 मिनट्स हम देखेंगे कि मॉइस्चर इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना इसमें रिमूव हो रहा है। ठीक है, मतलब 5 हम इसको 20 मिनट्स इसको हम यूज़ करेंगे, इसको चलाएँगे। ये हमारे पास ब्लोअर है, इसमें जो हवा इसमें जो एयर जो है इसमें सक होगी। ठीक है, और हमारे पास जो ये एक हीटर है, मतलब हीटर में से जो हमारी एयर होगी इसको क्या करेगा, इसको हीटअप करेगा और जो हमारे जो हैं हमारे पास जो अंदर पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो एयर जो है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी जो उसकी जो मॉइस्चर को। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्राई प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। तो बेसिकली इसका पर्पस ये था। तो इसलिए आप देख रहे होंगे ये हमारे पास फिगर भी इसकी है कि इसमें एयर आउट हो रही है, एयर इन कर रहे हैं, एयर आउट, ये ट्रेज हैं इसकी और जो है ये हमारे पास इसका मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं ट्रेज के ऊपर, हम ट्रेज इसमें मटेरियल डालेंगे इसमें। ठीक है, और यही इसका पर्पस था। इसकी हम कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेशन की बात करें हम तो हमने जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था मैंने हमने परफॉर्म किया उसे, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन आती हैं। इसमें हमारे पास जो एम्प्टी ट्रे का वेट था वो 286 ग्राम, वेट ऑफ ड्राई सैंड प्लस ट्रे का वेट, और हमने जो है सैंड इसमें ऐड की 586 ग्राम हमारे पास का वेट आ गया। वेट ऑफ ड्राई सैंड 300 ग्राम है हमारे पास, और हमारे पास वेट ऑफ एम्प्टी ट्रे जो है 286 है। हमने इसके अंदर क्या ऐड करें, हम इसके अंदर बिफोर ड्राई हम इसमें वाटर भी ऐड करेंगे। वाटर हम कितना ऐड कर रहे हैं इसमें हम देखते हैं, इसमें हम 12 ग्राम वाटर को ऐड कर रहे हैं। वेट ऑफ वेट सैंड प्लस ट्रे बिफोर ड्राइंग, उसके बाद हमने वेट ऑफ वेट्स आफ्टर ड्राइंग के बाद देखना है हमारे पास क्या हुआ है। तो हम इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमने उसको पहले 0 ग्राम पे जो है कोई फ़र्क नहीं आ रहा उस पर, अब हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमने अपने जो ट्रे ड्राई और जो हमारे पास ओवन जो है उसको हमने रन किया, तो हमारे पास जो है 312 ग्राम हमारे पास रीडिंग आ गई। फर्स्ट जो हमारे पास वेट ऑफ वेट सैंड बिफोर ड्राइंग 312 था, वेट ऑफ सैंड आफ्टर ड्राइंग 308 ग्राम हमने कैलकुलेट किया, 308 ग्राम हमारे पास बच गया। सो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है इसमें 4 का, तो 4 हमारे पास इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। अगर हम इसमें मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने का फार्मूला जो है ये है, वेट ऑफ सैंड बिफोर ड्राइंग माइनस वेट ऑफ सैंड आफ्टर ड्राइंग। अगर हमने इसका रेट फाइंड करना हो तो मॉइस्चर कंटेंट को डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन पे, जिसना हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट इसका हमारे पास 4 ग्राम आया है। ठीक है, टाइम हमने 5 मिनट रखा है, 4 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास dx/dt है, ये हमारे पास आंसर इसका 0.8 ग्राम पर मिनट आ गया है हमारे पास। ये हमारा ड्राइंग रेट है कि हमारा जो मैस था उसमें से जो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है हमारे पास वो हमारा जो है 5 पर मिनट में 0.8 ग्राम हमारा रिमूव हो रहा है। इसलिए हमने इस तरह हमने 10 मिनट हमने मोस्ट
मोर 5 मिनट हमने ओवन में रखा है, ठीक है, जो हमारे ट्रे ड्राई ओवन जो हमारे पास है, उसके बाद हमने ट्रे ड्रायर में रखा है हमने 15, फिर 5 मिनट, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर जो है वो हमारा कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ मॉइस्चर हमारे जो है हमारी प्रोडक्ट में रह जाता है, वो इक्विलिब्रियम होता है, वो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इनहेरेंट मॉइस्चर होता है, कोई हमारे जो होते हैं जो है लेयर मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, इनहेरेंट मॉइस्चर को हम मतलब नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास कुछ ये कैलकुलेशन थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आप ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं, टाइम मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट और टाइम का रिलेशन यही है कि टाइम के साथ साथ जो है मॉइस्चर कंटेंट हमारा रिमूव होता जाएगा, ड्राइन रेट भी हमारा टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सामने जो है साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफ़र की एक्सपेरिमेंट की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।